फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल कुमार डिजाइन पे। फ्रेंड्स, मैं आज आपको 3D मैक्स की एक बहुत ही अमेजिंग ट्रिक बताने जा रहा हूँ। जैसे फ्रेंड्स मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूँ। रेक्टेंगल बनाने के बाद फ्रेंड्स मैं अपने वर्क अकॉर्डिंग इसमें कोई भी शेप बनाता हूँ, जिसको फ्रेंड्स मेरे को इस रेक्टेंगल में होलो बनाना है। जैसे फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर शेप बना दिया है, कोई भी अपने वर्क अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स मैं मॉडिफायर में आकर फ्रेंड्स इस रेक्टेंगल को फ्रेंड्स मैं एक्सट्रूड करता हूँ। एक्सट्रूड करने के बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जो मैंने शेप्स बनाए थे वो इस रेक्टेंगल में एक्सट्रूड नहीं हुए। अगर फ्रेंड्स एक्सट्रूड होते तो फ्रेंड्स हमारा बहुत समय बच जाता और हम बहुत जल्दी काम कर लेते। इसी से रिलेटेड फ्रेंड्स मैं आज आपको ट्रिक बताऊंगा, जिससे फ्रेंड्स आप जैसे ही रेक्टेंगल को एक्सट्रूड करेंगे तो जो शेप्स हमने रेक्टेंगल के अंदर बने वो एक्सट्रूड हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स पहले हम इसको डिलीट करते हैं। डिलीट करने के बाद फ्रेंड्स वापस हम आते हैं और यहाँ पर अपने रेक्टेंगल सेलेक्ट करते हैं। रेक्टेंगल सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एक सेटिंग करनी है। यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, यहाँ पर टिक किया हुआ, इसको अनटिक करना है। अनटिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको रेक्टेंगल बनाना है या फिर आप कोई भी अपने कोई शेप बना सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स मैं इसके अंदर शेप्स बनाता हूँ। शेप्स बनाने के बाद फ्रेंड्स मैं वापस मॉडिफायर में आता हूँ। मॉडिफायर में आते फ्रेंड्स मैं वापस इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करता हूँ। रेक्टेंगल को सिलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स मैं इस रेक्टेंगल को एक्सट्रूड करता हूँ। एक्सट्रूड करने के बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने जितने भी सर्कल्स बनाए थे जो इस रेक्टेंगल में एक्सट्रूड हो गए, जिससे फ्रेंड्स हमारा बहुत समय बच सकता है और हम बहुत ही जल्दी से कोई भी मॉडलिंग या फिर कोई भी डिजाइन बना सकते हैं। फ्रेंड्स ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स।